हेलो, मेरा नाम मोहन अली है और मैं असम से हूँ और मेरा एज है 20 साल। और मेरा प्रॉब्लम है तकरीबन 5 सालों से, और मैं इस 5 सालों में बहुत परेशान रहा था और मेरे को एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा बनता था और हाँ, सीने पे भी बहुत ज़्यादा जलन और सीने के नीचे भी बहुत ज़्यादा जलन होता था और बहुत ज़्यादा डकार भी आता था। तो इससे मैं बहुत परेशान था और मेरे को पहले पता नहीं था कि इसका सर्जरी से सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन इसके बाद मैंने जब यूट्यूब पे वीडियो देखा डॉक्टर चिराग ठाकर का, तो मेरे को ये पता चला। इसलिए मेरे को इधर, मैं 18 तारीख को आया और कल मेरा मैनोमेट्री एंड पीएस स्टडी हुआ और 24 घंटे में मैं खाया पिया और मैं सो भी गया था, लेकिन मेरे को कोई तकलीफ नहीं होता था। लेकिन थोड़ा ऐसा लगता है कि गले में कुछ अटका हुआ है, ऐसा लगता था, और कोई नहीं है। तो आज मेरा ये स्टडी का 24 घंटा पूरा हो चुका है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसके बाद मैं आपको फिर से अपडेट दूंगा। हेलो गाइस, माई सेल्फ मोहन अली एंड आई एम फ्रॉम असम और मेरा उम्र है 20 साल। तो पहले मैंने बताया था कि मेरा पीएस स्टडी और मैनोमेट्री टेस्ट हुआ, तो उसके बाद टेस्ट पे एसिडिटी ऊपर आए, ऊपर आया और खाना भी ऊपर आया। तो डॉक्टर ने बोला कि आप सर्जरी करा लो, इसलिए मैंने कल यहाँ आया और कल ही मेरा सर्जरी पूरा हुआ। और सर्जरी के बाद 3 घंटे बाद मेरा घूमना फिरना भी चालू हो गया और लिक्विड भी खाना चालू हो गया था, और मॉर्निंग में भी थोड़ा हल्का फुल्का खाया हो, और अभी ये लोग मेरे को डिस्चार्ज भी कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और जिनको भी ये प्रॉब्लम है तो उन लोगों को डरना नहीं चाहिए और इसका इलाज जरूर करना चाहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम मोहन अली है और मैंने पहले की बताया था कि मेरा हाइटस सारणी और गार्ड की प्रॉब्लम है और मेरा आज सर्जरी के 3 दिन हो गए हैं और मेरे को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने पीने की, सोने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिनको भी ये प्रॉब्लम है वो घबरा नहीं और डरे नहीं, उनको ये सिर्फ 2 दिन के प्रोसेस चलते हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो उनको ये सर्जरी करवाना लेना चाहिए और मेरे को अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो जिनको ये प्रॉब्लम है तो उन तुरंत डॉक्टर चिराग ठक्कर से मिले, उनसे बात की, तो वो आपको जरूर एक रास्ता दिखा देंगे। सो थैंक यू। हेलो गाइस, मेरा नाम मोहन अली है और मैं आसाम से हूँ। और जैसे कि मैं पिछले वीडियो को मैंने बताया था कि मेरे को हाइटा सारणी और गार्ड की प्रॉब्लम है, और जिसके वजह से मेरे को एसिडिटी और डाकर का प्रॉब्लम हुआ था। तो इसी वजह से मैंने बहुत परेशान था, तो इसलिए मैंने अहमदाबाद गया और उसके बाद डॉक्टर चिराग ठक्कर से मिला। तो उसने मेरे को पीएस स्टडी और मैनोमेट्री ऐसा कोई टेस्ट दिया और उसके बाद मेरे को बताया कि तुम्हारा सर्जरी कराने की ज़रूरत है। और तब तो मैंने सर्जरी कराया और मेरा सर्जरी के अभी तकरीबन 2 महीने 15 दिन हो गया। तो अभी मेरे को डकार या एसिडिटी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सिर्फ मैं खाना थोड़ा थोड़ा करके दिन में 5-6 बार मैं खा लेता हूँ। तो मैं सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस जिसको ये प्रॉब्लम है तो उसने चिराग ठक्कर के साथ मिले और उससे बातचीत करे और उसके बाद
सर्जरी की अगर ज़रूरत है तो उसने भी सर्जरी कराएगा तो उसका प्रॉब्लम सब जरूर ठीक हो जाएगा। सो थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन।